हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएस। सो दोस्तों, आज हम साइंस एंड टेक की सीरीज़ के अंदर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे इसरो के कुछ कारनामे। तो इसरो ने कौन कौन से हमारे सैटेलाइट लॉन्च की हुई हैं, कौन से इनके स्पेस क्राफ्ट हैं और नेविगेशन सैटेलाइट एंड जो भी इसरो ने आज तक किया हुआ है वो सब हम देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है, जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट आते हैं इनके क्या क्या स्पेस क्राफ्ट इसरो ने लॉन्च किए हुए हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट, जो कि कम्युनिकेशन बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए आप इसमें जो टेलीफोन से बात करते हो, ब्रॉडकास्टिंग होती है टीवी की, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। सेकेंड आती है अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट, जो कि काम आएंगी आपकी अगर आपने कोई पर्टिकुलर मैपिंग करनी है, जैसे अगर आपने रोड बनाना है उसके लिए ट्रैफिक को मॉनिटर करना है, मैपिंग करनी है, या फॉरेस्ट की मैपिंग जो होती है, फॉरेस्ट जो सर्वे होता है उसकी मैपिंग जो की जाती है, वो भी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का यूज़ किया जाता है उसके अंदर भी। और साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट, साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट का मतलब है कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने किसी चीज़ की खोज करनी है, किसी चीज़ के बारे में पता करना है। जैसे स्पेस के बारे में हमने चंद्रयान मिशन भेजा हुआ है, चंद्रयान 2 भेजने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो भेजा हुआ है, तो वो आते हैं साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन में हमारे पास दो हैं, एक गगन और एक नाविक, ठीक है, जिसको IRNSSB कहते हैं। तो ये दो सिस्टम है, इनके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी से ब्रीफ ओवरव्यू है। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट होती हैं, जो पर्टिकुलर आपने कोई डाटा अगर ऊपर से कलेक्ट करना है वो एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर भेजी जाती हैं, वो परमानेंट नहीं होती, मतलब उनको परमानेंटली वहाँ पर फिक्स नहीं किया जाता, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए छोटी सैटेलाइट को वहाँ पर भेजा जाता है। कोई पर्पज़ के लिए आपने डाटा इकट्ठा करना है, एटमोसफियर की स्टडी करनी है, तो उन चीज़ों के लिए भेजा जाता है, जो कि UPSC के लिए हमारे काम के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्मॉल सैटेलाइट। ये स्मॉल सैटेलाइट का चलन जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, हर कोई अपनी छोटी सैटेलाइट बना के ऊपर भेज रहा है, क्योंकि जब अगर मान लो कोई छोटी इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट सैटेलाइट की भी बात हुई है, ये भी स्मॉल सैटेलाइट के अंदर ही आ जाती हैं। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंडस्ट्री है छोटी, तो वो बड़ी बड़ी सैटेलाइट 1500-1500 KG ना उनको ज़रूरत है, ना ही वो ऊपर भेज पाएंगी, तो वो छोटी सैटेलाइट को भेजती हैं और इनका कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है। जैसे आप रिसेंट के अंदर इसरो का देखा होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया था इसरो ने, तो उसके अंदर उन्होंने 100 से ऊपर सैटेलाइट भेजी थी, तो उसके अंदर मैक्सिमम सैटेलाइट स्मॉल सैटेलाइट थी। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है भेजने के लिए और स्मॉल सैटेलाइट किफ़ायती भी होती हैं कुछ कामों के लिए, तो आगे देखेंगे डिटेल से क्या होती हैं ये। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सैटेलाइट। स्टूडेंट सैटेलाइट का मतलब कोई यूनिवर्सिटी भेज रही है इनको, या स्टूडेंट के काम के लिए इनको भेजा जा रहा है, और ये भी छोटी होती हैं मैक्सिमम, जो कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने अगर ऊपर से कोई डाटा वगैरह कलेक्ट करना है, अपनी सैटेलाइट लेके जानी है ऊपर, तो छोटी सी सैटेलाइट, एक हैंड के साइज़ की या थोड़ी सी बड़ी, आगे देखेंगे कौन कौन सी होती हैं, नैनो, माइक्रो, जो भी है, लेकिन वैसी सैटेलाइट ये भेज सकते हैं। तो अब आते हैं हम बेसिकली फर्स्ट के ऊपर, जो हमने देखी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊपर भेजी हुई है, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक तो मेंस के अंदर आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कि आपको सैटेलाइट जो इसरो ने क्या क्या फ़ायदे, मतलब इसरो ने जो भी टेक्नोलॉजी ऊपर भेजी हुई है उसके क्या क्या फ़ायदे हुए हैं आपको, या स्पेस टेक्नोलॉजी के ह्यूमन को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो एक तो हमने पहले डिस्कस किया था स्पेस के इन जनरल क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक हैं इसरो से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसरो के पास, इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजी हुई है, कौन सी, इनसेट सीरीज। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सैटेलाइट के नाम बताएं और फिर पूछें कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी है और आपसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सी है। तो इनसेट सीरीज और जी सेट सीरीज की मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, कुछ रिमोट सेंसिंग के लिए और कुछ के अंदर वेदर प्रेडिक्शन के लिए मटीरियल लगा हुआ है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या कर सकती हैं, टीवी रेडियो के प्रसारण के लिए यूज़ की जाती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलीफोनी के लिए मतलब कॉल वगैरह करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, बात करने के लिए यूज़ की जाती है। टेलीमेडिसिन मतलब आपने इंटरनेट से कनेक्शन बनाना है, यहाँ पे मान लो रूरल एरिया है हमारा, ये विलेज है, यहाँ पे जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो ये कंप्यूटर के अंदर यहाँ से कनेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर बड़ी सीसीटी के अंदर डॉक्टर से, तो मतलब ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनकी कम्युनिकेशन में जो हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन और इनमें एक डिफरेंस है कि इनको सेपरेट लाइन प्रोवाइड करवाई जाती है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई सीरियस काम चल रहा है या कोई और पर्टिकुलर सीरियस चीज़ है, तो उसके बीच में जो कनेक्शन है वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो नॉर्मल में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बात यहाँ पे क्रिटिकल केसेस की है
या ऑपरेशन की, ऑपरेशन देख के भी की जाते हैं टेलीमेडिसिन के अंदर, तो वो चीज़ें उसके लिए सेपरेट लाइन आपके पास में होनी चाहिए। तो टेलीमेडिसिन का मतलब है आपने मेडिसिन प्रोवाइड करवानी है किसी दूर की लोकेशन से विदाउट पेशेंट के फिजिकल टच में आए बिना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिलिट्री, मिलिट्री यूज़ करती है कम्युनिकेशन को खुद में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। एंड वेदर प्रेडिक्शन, कुछ कम्युनिकेशन सेटेलाइट, जैसे वेदर प्रेडिक्शन कोई पर्टिकुलर सेटेलाइट नहीं भेज सकते आपकी, वो सिर्फ वेदर प्रेडिक्शन करेगी। वेदर प्रेडिक्शन करने के लिए आपके पास में काफ़ी इंडिकेटर होते हैं, उन सब का देख के, जैसे अगर आपने वेदर प्रेडिक्शन करनी है तो आप देखोगे ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना हो सकता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर देखना पड़ेगा एटमोसफियर का, जो हमारे क्लाउड हैं उनका टेम्परेचर देखना पड़ेगा, विंड स्पीड कैसी है वो देखना पड़ेगा आपने, आपको एयर पॉल्यूशन कितना है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा जो हमारे ग्लेशियर होते हैं उनको, तो ये सब चीज़ें कोलैबोरेट जब होती हैं तो उसको बोलते हैं वेदर प्रेडिक्शन। तो वेदर प्रेडिक्शन के लिए हमारी कम्युनिकेशन सेटेलाइट में इन सेट सीरीज़ के अंदर कुछ सेटेलाइट हैं जिनके अंदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और जो हमारी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है वो मेनली यूज़ की जाती हैं वेदर प्रेडिक्शन के लिए, जिनके अंदर हम ओशन का टेम्परेचर देखेंगे, और भी काफ़ी फैक्टर होते हैं जिनसे आप वेदर का पता लगाते हो अलग अलग डाटा लेके, तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट भी उसमें हेल्प करती हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन कौन सी इनमें से एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन सेटेलाइट की, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट आता है सेटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, तो सेटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, ये जो हमारे टीवी चैनल होते हैं इनकी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, इनकी गाड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है, ठीक है, एंटीना लगा होता है जो कि ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। तो उसको, वो एग्जांपल है सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग का, तो न्यूज़ आप डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करते हो वहाँ से, ठीक है, जो मोबाइल व्हीकल होता है आपका वहाँ से उसको ब्रॉडकास्ट करते हो। नेक्स्ट आता है डिज़ास्टर वार्निंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, तो ये तो काफ़ी कॉमन से हैं। अगर कम्युनिकेशन की बात है तो सैटेलाइट जो हमारे पास फ़ोन होते हैं उससे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। डिज़ास्टर की वार्निंग देनी है तो कम्युनिकेशन से ही दोगे आप वार्निंग उनको, SMS से या कोई और आपके पास में सुविधा है जो कि कम्युनिकेशन से रिलेट करेगी, क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट करना है पीपल से। तो ये आती है हमारी कम्युनिकेशन सेटेलाइट। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, इनकी जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और इसके अंदर ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन सी सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती। तो यहाँ पे देखोगे, याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं आपको, बस इन सेट सीरीज़ देखो, इन सेट 2C, इन सेट 2B, 2AAD, तो इन सेट सीरीज़ पूरी हमारी इसी के लिए है। इन सेट सीरीज़ के अंदर कुछ जो हमारे पास सेटेलाइट हैं वो यूज़ होती हैं रिमोट सेंसिंग के लिए भी और वेदर प्रेडिक्शन के लिए भी, वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन आपको ब्रॉड वे में समझना है, इतना डीप में जाके कोई नहीं पूछेगा, वो देख लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट इन सेट ही आ गई हमारी, देखो इन सेट सीरीज़, उसके बाद आती है जी सेट सीरीज़, ठीक है। तो इन सेट एंड जी सेट सीरीज़ हमारी यूज़ होती है इसके लिए। अभी लेटेस्ट के अंदर हम जी सेट का नया वर्ज़न भेज रहे हैं जो कि फ्रांस के द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है, जो हमारी मतलब सबसे बेस्ट सेटेलाइट होगी आज तक की, 5000 kg से भी ऊपर है, और जिसको हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उसको ऊपर भेजने की। तो ये हमने देख लिया इन सेट और जी सेट सीरीज़ जो है कम्युनिकेशन सेटेलाइट की है। तो इसी के अंदर कम्युनिकेशन सेटेलाइट हमारी ख़त्म होती है, लेकिन कम्युनिकेशन सेटेलाइट का ही एक टाइप है जिसको रिनेसेंस सेटेलाइट भी कहते हैं और स्पाई सेटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये मिलिट्री यूज़ के लिए मिलिट्री इनको यूज़ करती है। तो एक स्पाई सेटेलाइट क्या होती है, ये दोनों सेम नेम है, ठीक है, रिनेसेंस सेटेलाइट और स्पाई सेटेलाइट। तो स्पाई सेटेलाइट कोई भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली, रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन एक ही मान सकते हो आप, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, या कोई कम्युनिकेशन सेटेलाइट है जो कि मिलिट्री के यूज़ के लिए हम काम में ले रहे हैं उसको, या इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने डिफरेंट काइंड की जो सेटेलाइट इसरो ने भेजी हुई है, मैं यहाँ पे UPSC बोलने लगा था, डिफरेंट काइंड जो सेटेलाइट इसरो ने भेजी हुई है वो सब उनके बारे में देख रहे हैं। हमने कम्युनिकेशन सेटेलाइट के बारे में देखा, उसके क्या फंक्शन होते हैं और कौन कौन सी है हमारे पास, इन सेट और जी सेट सीरीज कम्युनिकेशन के लिए है। फिर हमने देखा ये रिनेसेंस सेटेलाइट, जिसको स्पाई सेटेलाइट भी बोलते हैं, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट भी हो सकती है या एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट भी हो सकती है, जो कि मिलिट्री के लिए यूज़ होती है। तो ये एक सेपरेट इसको डिवाइड किया जाता है, जब इनका डिवीज़न किया जाता है, होंगी ये भी नॉर्मल सेटेलाइट ही, लेकिन इनको अलग से स्पाई सेटेलाइट बोल दिया जाता है। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। तो कम्युनिकेशन हमने देख ली, अर्थ ऑब्जर्वेशन देखेंगे अब। अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप अर्थ को ऑब्जर्व करोगे, और इन ये जो मेनली नॉन मिलिट्री यूज़ के लिए की जाती हैं। मिलिट्री के लिए अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट का यूज़ किया जाएगा तो उसको बोलेंगे स्पाई सेटेलाइट, ठीक है, नाम का ही फ़र्क है, काम तो सेम कर रही हैं। इसके अंदर ये करेगी रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है
ये होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सबसे पहले होता है, सेंसिंग का मतलब क्या होता है? सेंसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सेंस करना। जैसे अगर मान लो मेरा हाथ है यहाँ पे, ये अगर हाथ है यहाँ पे, मोमबत्ती जला देते हैं नीचे, तो मेरा हाथ मोमबत्ती के ऊपर है, हीट लगी हुई है इसको, तो ये सेंस करेगा हीट को। लेकिन मैं उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा हूँ तो मैं सेंस कर पा रहा हूँ मोमबत्ती का टेम्परेचर। अगर मैं अपना हाथ आगे रखूँगा तो मैं उसका टेम्परेचर एक गैस कर पाऊँगा कि हाँ इसका टेम्परेचर इतना हो सकता है क्योंकि मेरा हाथ जलने लगा था। लेकिन सेंसिंग तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये रिमोट नहीं है। रिमोट का मतलब होता है किसी दूर की लोकेशन से। अब दूसरी कंडीशन में मोमबत्ती तो यही है, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, मैं इससे काफ़ी दूर हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं कोई इक्विपमेंट है जिससे इसको इसका टेम्परेचर सेंस कर ले रहा हूँ। तो पहले भी मैं सेंसिंग कर रहा था, लेकिन वो मैं इसके ऊपर हाथ रख के कर रहा था, लेकिन अब मैं इससे दूर चला गया हूँ, फिर मैं इसकी सेंसिंग कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं रिमोट लोकेशन से सेंस करना। जैसे अभी आप स्क्रीन को देख रहे होने, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं है स्क्रीन के, आपकी आंखों के ऊपर स्क्रीन रखी नहीं है, ये काफ़ी दूर है। लेकिन जो लाइट स्क्रीन के ऊपर पड़ रही है, उसकी वो जो रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आ रही है, आप किसी दूर की लोकेशन से देख रहे हो अभी अपने फ़ोन को या जो भी आपके पास इक्विपमेंट होगा, उस चीज़ को बोलेंगे रिमोट सेंसिंग, क्योंकि आप दूर की लोकेशन से सेंस कर रहे हो चीज़ों को। आप हियर कर रहे हो, हियरिंग के लिए भी जहाँ से साउंड आ रही है वो चीज़ जो है आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं है, वो काफ़ी दूर हो सकती है, ठीक है, 100 मीटर 200 मीटर, लेकिन आप इतने दूर से सेंस कर पा रहे हो उसको, तो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। और यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब है, आप नॉर्मल में सेंस कर सकते हो, एक बिल्डिंग है उसकी हाइट आप पता कर सकते हो खुद वहाँ पे जाके उसको नाप के, उसको बोलेंगे जर्नल सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब है आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे, सेटेलाइट के थ्रू ही आप उसकी हाइट को नाप ले रहे हो, मतलब किसी रिमोट लोकेशन से सेंस कर ले रहे हो। इसके फ़ायदा क्या क्या हो सकते हैं रिमोट सेंसिंग के? रिमोट